अखिल महाराष्ट्र के तत्वावधान में राज्य के उचित मूल्य दुकानदारों की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर सोमवार 11 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे चाचा नेहरू बालोद्यान आगे रामदेवी चौक नागपुर से नागपुर विधान भवन तक एक भव्य मार्च निकाला जाएगा। राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से ईमानदार दुकानदारों की उपेक्षा करी है और कई दुकानदार अल्प जीवन जी रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में गरीब राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से सेवा देने वाले दुकानदारों को उनकी सेवाओं का उचित पारिश्रामिक नहीं मिलने के कारण इस मार्च का आयोजन किया गया है। इनकी मांगे हैं कि आज के मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार मार्जिन बढ़ाया जाना चाहिए, वितरण के लिए नए 5G हाई स्पीड नेटवर्क के साथ EPOS मशीनें जल्दी से हासिल की जानी चाहिए। निःशुल्क खाद्य सुरक्षा के तहत लाभार्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति माह वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न का मार्जिन तत्काल प्राप्त होने के संबंध में राज्य में समस्त योजनाओं के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को वितरण हेतु खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रमुख मांग ये है कि राज्य में वर्तमान में निष्क्रिय केरोसिन लाइसेंस धारकों का पुनर्वास और उन्हें वितरण के लिए केरोसिन कोटा का प्रावधान करना है। मी संजय पाटील ऑल महाराष्ट्र फेयर प्राइस शॉपकीपर्स फेडरेशनच्या कार्यालय येत्या 11 डिसेंबरला नागपूरच्या विधानसभेवर महाराष्ट्रातील सर्व रास्तभाव दुकानदार आणि केरोसिन परवाना धारकाचा मोर्चा नेण्यात येणार आहे। या मोर्चाचे मुख्य कारण असं आहे की गेल्या अनेक वर्षापासून शासन आम्ही जे धान्य वितरण करतो किंवा केरोसिन वितरण करतो आमच्या मागण्याकडे शासन पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे। कोणत्याही मागण्या जो आम्हाला सन्मान आणि मोबदला मिळाला पाहिजे तो आम्हाला मिळत नाही। अनेकदा आम्ही राज्य शासनाला आणि प्रशासनाला निवेदन दिलेली आहे, परंतु आमच्या निवेदनावर जी कारवाई व्हायला पाहिजे ती कारवाई आजपर्यंत झालेली नाही। त्या नाईलाज आम्हाला या 11 डिसेंबरला या मोर्चा काढण्यात आम्हाला भाग पडलेला आहे। मोर्चामध्ये अंदाजे 3000 जवळपास आमच्या रास्तभाव दुकानदार उपस्थित राहणार आहे। हा मोर्चा आगाराम देवी चौकातून निघणार आहे आणि विधान भवनावर जाणार आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।